का पैक बनाकर तैयार किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा बेसन, ऑयल, ऑयल कोई भी ले सकते हो आप, आमंड ड्रॉप वगैरह कुछ भी ऑयल डाल लीजिए, और थोड़ा सा दही और थोड़ा सा शहद मिक्स किया है। और मैं ये पैक लगाने जा रही हूँ। और मैंने अपने फेस को दूध से क्लीन कर लिया है। इन्होंने मुझे पहले से नहीं बताया कि शाम को पार्टी है, और अचानक ही फ़ोन करके अभी बोला है कि पार्टी है। तो मैंने सोचा, मैं काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ कि घर आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा चलो कम से कम अभी पैक तो लगा ही लेती हूँ, थोड़ा सा तो चेहरा साफ़ हो जाए। मेरी आँखें भी देखो कितनी डल लग रही हैं पता नहीं कैसा लगेगा। चलो फिर पैक लगाते हैं। मेन चीज़ तो इसमें कॉफ़ी थी जो मैं बताना ही भूल गई, और अब मैं लगा रही हूँ अपना पैक। और ये मेरी साड़ी वगैरह तैयार हो गई है, पहले मैंने ये साड़ी तैयार की थी पर अब मैं तैयार हूँ। ये देखिए मैं फाइनली हो गई हूँ तैयार बर्थडे में जाने के लिए। बहुत अनकंफर्टेबल होता है साड़ी पहनना मेरे लिए, बहुत भारी लगती है मुझे साड़ी, लेकिन क्या करें, कहीं ऐसी जगह जाना होता है तो साड़ी पहननी पड़ती है हम लोगों को। और आगे का मैं वहाँ जाकर दिखाऊंगी। पता नहीं था कि बर्थडे में जाना है, इसीलिए कुछ ज़्यादा तैयारी कर नहीं पाई थी, पहले से गिफ्ट भी नहीं लिया है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एमलम में बस पैसे डाल कर दे देंगे। तो चलो चलते हैं बर्थडे में, फिर वहीं मज़े करेंगे। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं अपनी पार्टी में। ये इनके बहुत ही पुराने दोस्त हैं जो काफ़ी समय पहले बिछड़ गए थे, पर इन लोगों की फ़ोन कॉल से बात होती रहती थी, और अभी हम लोग दोबारा मिले हैं यहाँ पर आने पर। हम लोगों की जॉब में यही होता है कि अलग हो जाते हैं, फिर काफ़ी सालों बाद बाई चांस ही कोई मिल जाए तो मिल जाता है। और इनकी दोस्ती तो वैसे भी जिससे भी होती है बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि ये रिश्तों में और दोस्ती में बहुत ही क्लियर रहते हैं और बहुत अच्छे से निभाते हैं, मतलब बहुत दिल से निभाते हैं दोस्ती को, और बहुत सभी के लिए सपोर्टिव भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए कभी इनके दोस्त इनके बारे में या कुछ भी ऐसा बुरा नहीं मानते हैं, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फील करते हैं इनके साथ, और सभी का साथ देते हैं ये हमेशा, चाहे बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, सभी इनके साथ हर बात शेयर कर लेते हैं। तो इसीलिए इनकी दोस्ती भी काफ़ी लंबी चल रही है। और ये देखिए बर्थडे का केक आ गया है और केक काटा जा रहा है। केक काफ़ी टेस्टी था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। बलून फोड़ने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे तो, और बच्चा भी केक खाने के लिए ऐसा लग रहा था, अभी उसे केक नहीं काटना है सिर्फ केक खाना है। ये देखो कैसे कर रहा है। तो ये हो गई है हमारे केक की कटिंग, और उसके बाद हम लोग अपना डिनर लेने के लिए चले आए थे। ये जो उनका बड़ा बेटा है, उसका बेटा है, तो उसका बर्थडे था तो उसी में हम लोग गए थे। काफ़ी अच्छा लगा, और उनकी बहू काफ़ी शर्मीली है, हम तो सोच रहे थे क्या समझाएं उसे क्या बताएं, इतना लंबा घूंघट डाल के उसने पार्टी में भी रखा हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने केक वगैरह एंजॉय किया, और बच्चों को देखिए फ़ोन पे ही लगे हुए हैं। और ये हमारा आ गया खाना, हम लोगों ने तो सादा खाना ही ऑर्डर किया था, बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया था और आइसक्रीम वगैरह मंगवाई थी। तो उसके बाद बच्चों ने गेम खेला, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, टाइम भी अच्छा पास हो जाता है, सब लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है, जो भी मतलब बहुत टाइम बाद बाहर निकलो तो अच्छा ही लगता है। नैन सो गई।
सपने यही था नहीं मुझे लेकिन सूप बहुत अच्छा लगा, मुझे सूप बकवास लगा, पता नहीं कि मुझे सूप बहुत अच्छा लगा। उसमें तो वो पनीर के वो टुकड़े डाल रखे थे ना छोटे छोटे, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे में एक पनीर का टुकड़ा नहीं, पनीर का टुकड़ा नहीं, छोटे छोटे क्रम्स थे पनीर के। हाँ बहुत ज्यादा महीन में था वो, मुझे स्टार्टर ज्यादा अच्छा लगा। नहीं नहीं पता क्या थी कि तुम लोग बोल रहे थे नहीं बोलना नहीं है, तो उसे ऐसा लगा होगा कि उसे ये भी नहीं बोलना है कि गाना है, इसीलिए वो बेचारी छुपी रह गई। इतना दिमाग नहीं है क्या?